अल्लाम वर हमला वर्का अलहदुल रबीन वसलात वसलाम अशरफिल्बिया वमसलीम अम्माबाद नाजरीन आप के अपने प्रोग्राम आदाब ज़िंदगी में हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे इस दूसरे एपिसोड के अंदर हमने जैसा कि आपसे पहले एपिसोड के अंदर इस चीज़ का वादा किया था इन इस एपिसोड के अंदर हम फिर से वालदे के ताल्लुक से प्यारे रसूल सल्ला वसलम की जो अहदीस मुबारक हैं उनके ताल्लुक से गुफगू करेंगे इमाम बुखारी रहमतल्ल ने एक हदीस इस बाप के अंदर लाए हैं और वह हदीस क्या है उसको देखते हैं रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसरूद रदी अल्लाह तु हैं मशहूर साहबी हैं बड़े फ़कीह थे अल्लाह सुबहाना तै और प्यारे रसूल सल्हु वसलम से बड़ी महब्बत करने वाले थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तु कहते हैं कि मैंने प्यारे रसूल मोहम्मद रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है अल्लाह अकबर किस कदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सच्चे साथियों के दिलों के अंदर अल्लाह से मोहब्बत थी और ऐसे अमाल करने से मोहब्बत थी जो अमल मुकम्मल तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो ताकि वो अल्लाह का हासिल कर सकें हजरत बिन मसूद के नजदीक सबसे पसंदीदा कौन सा है सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है अल्लाह के रसूल जरा बताए प्यारे रसूल वसल्लम ने फरमाया अदब का तकाजा अदब सिकला रहे नबी अकरम सल वक् कि नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना और नमाज किसके लिए पढ़ते हैं हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह की तकबीर बयान करते हैं अल्लाह की तहमीद बयान करते हैं अल्लाह की तस्बीह यानी अल्लाह की पाकी अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की किबरियाई बड़ाई बयान करते हैं हम नमाज के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुकूक में से सबसे पहली चीज जो बतलाई वो क्या है उसकी इबादत अस्सलातु अला वक्त नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रस अल्लाह तु ने कहा ए, के रसूल जरा बताएं फिर कौन सा अमल सबसे प्यारा है मेरे रसूल सल्ला के रसूल सल्लाम ने फरमाया बिरुलवाल वालदन के साथ हुसन सलूक करना वालदन के साथन सलूक से पेश आना वालदन के साथ अच्छा बर्ताव करना अल्लाह अकबर अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी का मर्तबा, किसी का अदब लायक हो सकता है तो वो वालदे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी की जात है दुनिया के अंदर तो माता पिता वालदे की जात अगर वालदे का कहना मानेंगे इंशाल्लाह रब तुमसे राजी हो जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिरुल्दैन वाले के साथ अच्छा बर्ताव करना वाले की खिदमत बजा लाना ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा और महबूब अमल है साहबी ने पूछा अयुन। फिर कौन सा अल्लाह के रसूल रसोल्ला सल्ला वसलम ने फरमाया अल जहादी सबी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना ये भी अल्लाह को बड़ा पसंदीदा अमल है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का मतलब उसके दो मफहम हो सकते हैं एक मफहम तो ये है कि आदमी अमीर का हुक्म हो मुस्लिमीन का हुक्म हो और कुफार मैदान जंग के अंदर बरसर पैकार हैं लिहाजा मैदान जंग के अंदर अमीर के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जान को कुर्बान करने का नाम जिहाद दूसरा मफहम जिहाद जिहाद किसे कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा मुजाहिद किसे कहा है फरमाया अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे और अपने नफ्स से जिहाद करने का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, के अक्वाल और अफाल आपकी बातें आपके अमल को मुकम्मल तौर पर अपने दिलों के अंदर बिठा करके अपने जहन के अंदर बिठा करके उन पर अमल करने का नाम भी जिहाद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने माता पिता अपने फादर और मदर यानी माँ बाप की इतायत फर्मा बरदारी को मुकम्मल तौर पर अदब के साथ बजा लाने का नाम भी जिहाद है बहर कैफ साहब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ताला जो सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्म ने उनका जवाब बड़े अच्छे अंदाज में दिया सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट नंबर पर जिस चीज को रखा वो क्या है अल्लाह की फर्मा बरदारी नमाज यानी अल्लाह की इबादत नमाज आंखों की ठंडक है उसके बाद बिर्रुल वालिदैन वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने का मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पर जो भी वालिदैन हुक्म दें अच्छाई का भलाई का खैर खाई का उन पर मुकम्मल तौर पर अदब के दायरे में रह करके हम अमल करें यह बिर्रुल वालिदैन के अंदर दाखिल है उसके बाद अल-जेहाद अलहादुफी सभी के ताल्लुक से वसल्लम ने तीसरे नंबर पर इस चीज़ को रखा हालांकि अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जान को कुर्बान करना ये बहुत बड़ी फजीलत का बायस है लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के आले आले वसल्लम ने इसको दूसरे नंबर पर न रख करके तीसरे नंबर पर रखा और दूसरे नंबर पर वालदे की इता वाले की फरमा बरदारी, वाले के साथ हुसन सलूक से पेश आने को रखा मुहदसिन ने इसकी बहुत सारी तोज़ीहत की है लेकिन सबसे बेहतरीन तोजीह जो समझ में आती है वो ये है कि चूंकि वालदेन की खिदमत बजा लाने को पुरान मुकदस के अंदर अल्लाह सुबहान डायरेक्ट अपनी इबादत के बाद रखा है क्या है वक़ा रबू का यानी वाले के साथ उसने सलूक से पेश आने को अल्लाह ने दूसरे नंबर पर कुरान में रखा इसी ए देते हुए नबी अलैहि वसल्लम ने भी इसको सलात वाला वक्त यहा नमाज को उसके वक्त पर पढ़ने के बाद ही रखा यानि अल्लाह की इबादत के जश्ट बाद उसको रख दिया ये वालदेन की इतातो फर्माबरदारी की फजीलत है ये अदब है उनका जाहिर सी बात है अदब के तकाजे के मुताबिक अल्लाह ने वाले को दूसरे नंबर पर रखा है और अलैहि ला वसल्लम ने भी इसी बात की ताकीद की इसी बात का जवाब नबी अक्रम सल्लम ने हजरत अबिन मसूद के सवाल पर दिया फर्स्ट नंबर पर अल्लाह सुबहान तदर माता यानी माँ को रखा वाला को रखा आखिर इसकी वजह क्या है जाहिर सी बात है किसी चीज़ को पहले नंबर पर रखने की कुछ वजह हो सकती है किसी शख्स को पहला नंबर देने की कोई वजह हो सकती है कोई उसका सबब हो सकता है इसीलिए मुहदसिन ने इसकी मुख्तलिफ तवजीहत की हैं अल्लाह के रसूल जनाब महम्मद रसोल्ला सल असलम ने आखिर पहले नंबर पर क्यों रखा ये सवाल पैदा होता है नाजरीन आइए इस सवाल का जवाब खुद कुरने मुकदस से जानते हैं अल्लाह सबाणाल ने इशात फरमाया वो सईन इंसान अब वालई एहसाना और हमने इंसान को उसके वालदे के साथ हुसन सुलूक से पेश आने की नसीहत की वसीयत की ताक़ की हेमा लत उम्र कुरहा हुहा उसकी माँ ने उसको हमल में रखा कुरहन परेशानी के आलम में वजात हु कुरहा और उसको जन्म दिया उसको जना किस हाल में परेशानी के आलम में परेशानी के आलम में उस ने हमें अपने पेट के अंदर नौ महीने तक रखा नौ माह तक रखा उसके बाद उसने परेशानी के आलम में तकलीफ के आलम में उसको जना वकदा रब्बू काबुद्लियादेसाना यानी वालदैन के साथ उसने सुलूक से पेश आने को अल्लाह ने दूसरे नंबर पर कुरान में रखा इसी एतबार से तरतीब देते हुए नबी ने भी इसको वाला वक्त यहा नमाज को उसके वक्त पर पढ़ने के बाद ही रखा यानी अल्लाह की इबादत के जस्ट बाद उसको रख दिया ये वालदे की इतातो फरमादारी की फजीलत है ये अदब है उनका जाहिर सी बात है अदब के तक के मुताबिक ही अल्लाह ने वाले को दूसरे नंबर पर रखा है और अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात की ताकिद की इसी बात का जवाब ने अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाहु ताला के सवाल पर दिया फर्स्ट नंबर पर अल्लाह व तला ने मदर माता यानी माँ को रखा वालिदा को रखा आखिर इसकी वजह क्या है जाहिर सी बात है किसी चीज को पहले नंबर पर रखने की कुछ वजह हो सकती है किसी शख्स को पहला नंबर देने की कोई वजह हो सकती है कोई उसका सबब हो सकता है इसीलिए मुहदसिन ने इसकी मुख्तलिफ तवज़ीत की हैं अल्लाह के रसूल जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर पहले नंबर पर क्यों रखा ये सवाल पैदा होता है नाजरीन आइए इस सवाल का जवाब खुद कुरने मुकदस से जानते हैं अल्लाह ने इरशाद फरमायादई एहसाना और हमने इंसान को उसके वाले के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने की नसीहत की वसीयत की, ताकीद की। हु कुरहा के उसकी माँ ने उसको हमल में रखा कुरहन परेशानी के आलम में वजात हु और उसको जन्म दिया उसको जना किस हाल में परेशानी के आलम में परेशानी के आलम में उस माँ ने हमें अपने पेट के अंदर नौ महीने तक रखा नौ माह तक रखा उसके बाद उसने परेशानी के आलम में तकलीफ़ के आलम में उसको जना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान मुकदस के अंदर इशाद फरमाया एक दूसरी आयत के अंदर वो व सहीसान अब वालई हम उमू वहन आला वाहन और हमने इंसान को उसके वाले के ताल्लुक से नसीहत की कि उसकी ने उसको हमल में रखा वहनन नाला वहनन दुख पर दुख सह करके दुख पर दुख उठा करके और उसके बाद अल्लाह अकबर इस वालदा ने हमें जन्म दिया आप खुद अंदाजा लगाएं भाइयों और बहनों के किस तरह इस वालदा ने हमारे ताल्लुक से तकलीफों को बर्दाश्त किया मुसीबतों को बर्दाश्त किया आज उसी माँ को आज उसी माता को आज उसी मदर को हम ओल्ड हाउस में भेज दें हम उसको इधर उधर घर से बाहर कर दें हम उसको घर से निकाल दे हम उसको अपने घर में ना रख करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दे उसका एक टाइम का खाना हमें मुसीबत में डाल दे मालूम है इस माने हमारे साथ कौन-कौन सी तकलीफें झेली हैं मालूम है इस माने हमारी कौन-कौन सी परेशानियों को बर्दाश्त किया क्या कभी इस माने हमारे ताल्लुक से यह कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी जब हमने बिस्तर पर सख्त ठंडी के मौसम में सख्त सर्दी के मौसम में पेशाब कर दिया और बिस्तर गीला हो गया और पेशाब की वजह से जब बिस्तर गीला हो जाता था तो ये माँ उस बिस्तर को हमारे लिए बिछाना पसंद नहीं करती थी बल्कि जिस बिस्तर पर यह माँ लेटती थी उस बिस्तर को हमारे लिए चेंज कर देती थी उस बिस्तर को हमारे लिए बदल देती थी आज हम उसी माँ को ओल्ड हाउस में डाल दें आज हम उसी माँ को दूसरे घरों में भेज दें। आज हम उसी माँ के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं बना सके अफसोस है मेरे भाइयों और बहनों हम पर कि हम ऐसी प्यारी माँ को इतनी बड़ी तकलीफों में डाल दें जो तकलीफ हमारी माँ बुजुर्गी के आलम में बुढ़ापे के आलम में बर्दाश्त ना कर सके मेरे भाई और बहनों अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने वालदा का रुतबा बुलंद किया है दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल वसल्लम ने चौथी मरतबा में जो जवाब दिया वो क्या जवाब था सुम्मा अबू का फिर तुम्हारे वालिद। ये नहीं कहाम्मा अखू का फिर तुम्हारे भाई फुम्मा का फिर तुम्हारी बहन नहीं अल्लाह के रसूल सल्लाम ने दूसरे नंबर पर वालिद को रखा क्योंकि ये वालिद सख्त गर्मी का मौसम है इंतहाई शिद्दत की गर्मी पड़ रही है सख्त धूप है ये वालिद जाता है हमारे लिए कमा कर लाता है पैसे कमाता है सिर्फ चंद टके मिलते हैं और पसीने में शराब और है पसीना इसकी पेशानी से बह रहा है और उस आलम में धूप के मौसम में सख्त गर्मी के मौसम में ये वालिद हमारे लिए कमा करके लाता है कुछ पैसे हमारे लिए खाने का इंतजाम करता है इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इन वालिदे मोहतरम को दूसरे नंबर पर रखा वालिदा के बाद अगर किसी का रुतबा हो सकता है किसी का अदब हमारे ऊपर वाजिब हो सकता है फर्ज हो सकता है जरूरी हो सकता है लाजिम हो सकता है तो वो हमारे वालद मोहतरम हैं हमारे फादर हैं हमारे पिता हैं कि उन पिता ने हमारे लिए बड़े दुख सहे हैं बड़ी तकलीफों को बर्दाश्त किया है ये हमारे पिता हैं कि इनका अदब और एहतराम करने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद उन सहाबी से फरमाया था कि अबू का फिर तुम्हारे वालदे मोहतरम फिर तुम्हारे फादर फिर तुम्हारे पिता ये इस बात के लायक हैं कि उनका अदब किया जाए ये इस बात के लायक हैं कि उनकी इज्जत की जाए उनकी तोकीर की जाए उनके साथ अदब और अदबोराम के साथ पेश आया जाए इमाम बुखारी रहमत ने आगे एक और चैप्टर कायम किया एक और बाप बांधा जिसके अंदर इमाम बुखारी रहमत ने अपने वालदेन के ताल्लुक से अदब और उनके साथ एहतराम करने के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस बयान की बाप क्या है बाबुल ला युजाहिदु इल्ला बिइज़्निल अबवैन बाब है इस बात का कि वालदेन के, के बगैर जिहाद नहीं कर सकता कोई शख्स जिहाद का ऐलान कर दिया गया और वालदेन ने इजाजत नहीं दी है लिहाजा ऐसी सूरत में वालदेन की इजाज़त के बगैर कोई शख्स जिहाद के अंदर शरीक नहीं हो सकता है ने इसकी मुख्तलिफ तवज़ीत हाँ की हैं एक तोजीह तो ये है कि अमीर का हुक्म आ गया और हुक्म आम है तमाम लोगों पर जरूरी है वाजिब है फ़र्ज है कि वो मैदान जिहाद में निकले कुफार के खिलाफ जिहाद करें अमीर का हुक्म है क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी ही है लिहाजा ऐसी सूरत में वालदे की इजाज़त के ताल्लुक से उलामा ने इख्लाफ किया है बाज लोगों ने कहा है कि इजाज़त नहीं लेगा चूंकि यह चीज़ फ़र्ज आयन हो गई है कि हुक्म तमाम लोगों को है तमाम लोगों को उसमें शामिल होना है लेकिन उसी के खिलाफ बाज लोगों ने यह भी कहा है कि अल्लाह के अल्ला रसूल अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कुछ भी हो जाए वालदेन की इजाजत जरूरी है अगर वालदेन इजाजत देते हैं तो जिहाद में शरीक होगा वरना शरीक नहीं होगा और इन लोगों ने देखिए किस हदीस से इस्तेदलाल किया है पेश खिदमत है ये हदीस अल्लाह रसूल, के रसूल जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रबी अल्लाह तहुमा है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन हदीस हैं कहते हैं एक शख्स अल्लाह के रसूल वसल्लम की खिदमत में आया और दरियाफ्त किया जिहाद कर सकता हूँ अल्लाह के रसूल सल् जिहाद का एलान कर दिया गया है अल्लाह के रसूल सल्लम क्या मैं जिहाद कर सकता हूँ क्या मैं जिहाद में जा सकता हूँ क्या मुझे आप इस बात की इजाजत देते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया बड़े अच्छे अंदाज़ में अल्लाह का अबवान क्या तुम्हारे वालिद मोहतरम और वालदा माजदा हैं क्या तुम्हारे माता पिता मौजूद हैं क्या तुम्हारे फादर मदर मौजूद हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर उस शख्स ने फरमाया नाम हाँ अल्लाह के रसूल मौजूद हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फफीहिमा फजाहिद जाओ उन्हीं दोनों के अंदर जा करके जिहाद करो तो इससे ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाजत नहीं दी हालांकि उसने फला फला कस्बे के अंदर नाम लिखवा दिया था लिहाजा इस एतवार से वाले की इताअत को जिहाद के ऊपर रखा गया और वालदेन की इजाजत को जिहाद के लिए मौकूफ रखा गया कि अगर वाले इजाजत देते हैं तब तो जिहाद करेगा लेकिन अगर इजाजत नहीं देते हैं तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए जिहाद करना जायज़ नहीं होगा लेकिन जो सही बात समझ में आती है वो सिचुएशन को देखा जाएगा कि किस तरह के हालात हैं। अगर वालदे इजाजत दे देते हैं तो ऐसी सूरत में तो जायज है तो नाजरीन चूंकि वक्त हो चुका है लिहाजा ऐसी सूरत में इन शाह हम अगले एपिसोड के अंदर इस हदीस की मज़ीद तशरी करेंगे तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं अल्लाम आईकम वरहल